Hello everyone, I hope you all are doing well. So in today's video, I'm going to explain the central idea of the story, the last lesson from the book Flamingo of class 12. Before starting this video, I have a small request. Please watch this video till the end. So without further ado, let's get started. Central idea of the story. The main idea of the last lesson is that language and culture are important even during difficult times. So the last lesson story में हमें ये जानने को मिलता है कि भले ही हमें कितना ही बुरा टाइम से गुजरना पड़े, फिर भी हमारे लिए लैंग्वेज और जो कल्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में. The story shows how the characters value their friends' language and heritage even when they can no longer learn it. So ये स्टोरी में हमें यहाँ पे फ्रेंड्स कैरेक्टर्स मिलते हैं और ये फ्रेंच कैरेक्टर्स वो लोग अपने लैंग्वेज को और हेरिटेज मीन्स विरासत जो होते हैं, ये सारी चीज़ों को कितना वैल्यू देता है. भले ही ये लोग अब वहाँ पे इस लैंग्वेज को सीख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ का जो दूसरे पार्टी का या दूसरे देश का डोमिनेंस यहाँ पे आ चुका होता है इस स्टोरी में. सो फिर भी ये लोग अपने लैंग्वेज को और अपने हेरिटेज को बहुत ही वैल्यू देते हैं. इट टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू आवर कल्चरल रूट्स एंड हाउ लूजिंग अ लैंग्वेज can affect our identity. ये कहानी हमें सिखलाता है कि हमारी एक सांस्कृतिक जड़ें जो बोलते हैं, ठीक है, जो रहन सहन, ये सारी चीज़ों को हमें होल्ड करके रखना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है. और अगर हम एक लैंग्वेज को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, तो लैंग्वेज जो है हमारी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकता है. सो ये दोनों चीज़ें हमें इस स्टोरी में सीखने को मिलते हैं. सो इट्स अ रिमाइंडर दैट लैंग्वेज कनेक्ट अस टू आवर पास्ट एंड हेल्प्स शेप हु वी आर. सो अंततः ये कहानी एक रिमाइंडर की तरह है कि लैंग्वेज जो है हमारी पास्ट को कनेक्ट करता है और आगे जाके हम कौन है इस चीज़ को भी एक शेप देते हैं. सो इसी चीज़ के बारे में, स्पेशली लैंग्वेज के बारे में ये कहानी लिखा गया है कि लैंग्वेज हमारे किसी के लिए भी, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए, किसी देश के लिए, किसी जाति का जो भी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के लाइफ में. तो यही एक सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe. See you in the next video.